जेएमडी न्यूज में मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के रास्ते किर्गिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। बिश्केक जाने के लिए मोदी के विमान को अनुमति। अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की दी मंजूरी। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर। दिल्ली में हो सकती है बारिश। उत्तर भारत में मौसम बदलने के संकेत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मार गिराए दो आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों के साथ पॉलिथीन हटाओ अभियान के तहत छापेमारी के निर्देश दिए। डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि 32 टीमों के टीम प्रभारी को मंगलवार से शहर के बाजारों, मॉल और प्रतिष्ठानों में छापेमारी की जाएगी और सभी टीम को अभियान को सफल बनाने के लिए कार्रवाई, चालान और जुर्माना काटना है। उन्होंने संयम रखते हुए कहा कि अभियान की कार्रवाई करने के लिए कहा और किसी से भी विवाद वाद विवाद नहीं करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि किसी भी स्थिति में आपको अपना धैर्य का परिचय देना है, ऐसे उन्होंने निर्देश दिए। और उन्होंने सेल टैक्स अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विशेष तौर पर पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी छापेमारी की जाए। वहीं अभियान के लिए बनाई गई टीमों में खाद्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, जिला पूर्ति अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम के जोनल अधिकारी समेत तमाम अधिकारियों के साथ ही बैठक की गई। पॉलिथीन प्रतिबंधित हो गई है, उसके अगेंस्ट पे एक बृहद अभियान चल रहा है। तो जो अभियान में टीमें बनी थी उन्हीं को अभियान के बारे में समझाने के बारे में आज बैठक थी और सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया। हाँ, किस चीज़ को मतलब आने वाला समय में कौन से कदम उठाए जाएंगे अगर कुछ गलतियाँ? इसमें जो भी है जो जुर्माना जो उसका पालन नहीं करेगा, जुर्माने की कार्रवाई है, कंपाउंडिंग कार्रवाई है, वो सब अमल में। नोएडा के पत्रकार अनुज शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और महामंत्री कुशाग्र पांडे समेत सभी पदाधिकारियों व पत्रकारों ने इस घटना की निंदा करते हुए डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदेश सरकार के खिलाफ पत्रकारों का उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मांग की है कि पत्रकारों पर हो रहे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये प्रदेश सरकार की तानाशाही है। गौरतलब है कि बीते दिनों नोएडा में टीवी चैनल के संपादक अनुज शुक्ला द्वारा दिखाई गई एक खबर के बाद जिला प्रशासन ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही तीन पत्रकारों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसके बाद इस घटना की निंदा करते हुए कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने इस मामले में मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रेस क्लब के महामंत्री कुशाग्र पांडे ने बताया कि इस तरह से पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए और उन पर जो भी मुकदमा फर्जी दर्ज है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, अन्यथा कानपुर प्रेस क्लब के पत्रकार साथी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर होगा। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर रिश्तों का हुआ खून। सगी औलाद ने की अपनी मां की हत्या, हत्या करके बेटा मौके से हुआ फरार। हत्या के बाद पुलिस ने गमुखा हाथे से राजा बाबू को उठाया। अनवरगंज थाना क्षेत्र की ये घटना। बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिश्तों का एक बार फिर खून हुआ, जहां सगी औलाद ने अपनी मां की हत्या।
हत्या करके बेटा मौके से हुआ फरार। हत्या के बाद पुलिस ने गम्मू खा के हाथे से आरोपी राजा बाबू को उठाया। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिलाष वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिलाष, क्या कुछ है ये मामला? जी देखिए, देर रात का ये मामला बताया जा रहा है, जिस थाना क्षेत्र का है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक महिला थी जो अकेले रहती थी और उसकी देर रात हत्या कर दी गई, और जो पूरा शक है वो उसके बेटे और पति पर जताया जा रहा है, जो उससे अलग रहते थे क्योंकि एक से डेढ़ साल पहले उसका पति से अपने तलाक हो गया था, जिसके बाद से उसके बेटे और पति अलग रहते थे और ये महिला अकेली रहती थी। पुलिस मामले पे पूरी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का ऐसा कहना है कि पति और बेटे पर हत्या का शक है और उन्हीं की तलाश की जा रही है, जिसके बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमें इस खबर पर। ये खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर सगी औलाद ने अपनी मां की हत्या की है और हत्या करके आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गम्मू खा के हाथे से आरोपी राजा बाबू को उठा लिया। अनवरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना। और इधर कानपुर के सुंदरीकरण के लिए कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अतिक्रमण से लेकर पॉलिथीन के मुद्दे तक उठाए गए। बैठक में कानपुर के गिरते जल स्तर को देखते हुए नगर निगम ने कहा कि जल्द ही सारे कुएं और तालाब फिर से खुलवाए जाएंगे और कानपुर में पानी की समस्या का निवारण किया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर भी महापौर ने सख्त निर्देश देते हुए बताया कि नगर निगम एक हफ्ते में अतिक्रमण को हटा देगा। आज हमने अपने शहर के सारे अधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को बुलाया था कि एक उनके साथ बैठ करके अपने शहर के सुंदरीकरण के लिए जो मेरा सपना है उसको मैं कैसे पूरा करूं, इसलिए मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया। अहम मुद्दा क्या? अहम मुद्दा मेरा अतिक्रमण था। अतिक्रमण के बारे में आज बात हो गई है, गाड़ियाँ तो आज से ही उड़ना चालू हो जाएगी जो गलत लगाएगा, और अतिक्रमण हटाना एक हफ्ते में हम चालू करेंगे अतिक्रमण हटा के। मैंने ये बात बोला कि जब अतिक्रमण हट जाता है तो एक हफ्ते फिर लग जाए, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? साधना देश के अनुसार अब अगर अतिक्रमण मैं हटाऊँगी और अतिक्रमण लगेगा तो उस क्षेत्र का सीधे सीधे इंस्पेक्टर जो थाने का वो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल होगी, अब भी बिल्कुल होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एसएसपी महोदय ने कहा है कि निश्चित। कानपुर के नगर निगम में कानपुर कांग्रेस ने नगर विक्रय समिति की बैठक बुलाने की मांग की, जिसमें संगठन ने नगर आयुक्त से अनुरोध किया विक्रेताओं की समस्या का समाधान किया जाए। संगठन ने मांग की, परिचय पत्र वितरण के समय लोगों से अवैध धन राशि वसूली गई क्योंकि उस धन राशि की कोई भी रसीद नहीं दी गई थी, और संगठन की संयोजिका आभा चतुर्वेदी ने कहा कि नो वेडिंग जोन की जगह को चिन्हित किया जाए और वहां नो वेडिंग जोन के बोर्ड लगाए जाए। करने आए मेयर साहब से और नगर आयुक्त महोदय से, क्योंकि हम जो भी डिमांड कर रहे हैं ये 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो संसद में पास हुआ उसके तहत हम मांग कर रहे हैं। 14,000 वेंडर चिन्हित किए गए, जिनको चिन्हित किया गया उनको तो जगह देनी ही, कानपुर में आज दीजिए चाहे 5 साल बाद दीजिए, लेकिन अभी हमारी मेयर महोदय ने ये कहा है मैं जगह नहीं दूंगी चाहे जो हो जाए। अगर ऐसा अंधा कानून चलेगा तो ये तो गरीबों के साथ अन्याय होगा। मोदी जी, योगी जी वेंडर्स के लिए स्कीम ला रहे हैं, पेंशन स्कीम ला रहे हैं, असंगठित मजदूरों को आगे कर रहे हैं। देखिए, आप टीबीसी में जो एक्ट पास हुआ है, टीबीसी में जो निर्णय हुआ उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और फूल बाग में इनका इंजीनियर हटाने आ रहा है। ये जब ही हटेंगे, जब इनकी व्यवस्था एक्सप्रेस में घटिया खाना परोसने को लेकर हंगामा काटा था, जिसके बाद आईआरसीटीसी एरिया मैनेजर रंजय शाह सोमवार को कानपुर सेंट्रल आए और बैठक भी की। वहीं इस मामले में डिप्टी सीटीएम एचएस उपाध्याय ने बताया कि इसकी जानकारी हुई है और साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जो भी खामियां सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को कानपुर से वंदे भारत के रवाना होने के 15 मिनट के बाद AC1 कोच में खाना दिया गया, जहां लोगों ने खाने की क्वालिटी को घटिया बताते हुए हंगामा काटा था।
वंदे भारत चली, ऐसा पहली बार कोई मामला संज्ञान में आया, पहली बार ऐसा हुआ। और ये किस वजह से हुआ, क्या हुआ है, इसमें IRCTC कैटरिंग करता है, उनको बता दिया गया है और वो लोग अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि आगे से ऐसा। सर, पिछले दिनों काफ़ी सर ये कहा जा रहा है कि वंदे भारत का स्टॉप यहाँ 2 मिनट का होता है और अब स्टॉपेज 5 मिनट का करेंगे, सर उसको क्या कहेंगे? अब इसके बारे में डिवीजन स्तर से और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई होती है और बोर्ड स्टॉपेज बढ़ाता है या घटाता है, तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी बोर्ड को ही करनी होगी। और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से, बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास NH 91 की एक घटना। बड़ी खबर कन्नौज से, कन्नौज से बड़ी खबर, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार युवक की हुई मौत। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की एक घटना, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास के NH 91 की एक घटना। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल, द मॉल, कानपुर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ JMD न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में JMD न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रतिमाह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स, जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।
आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news. Bringing out the आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर के अजय पुजारी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां एक यूनिट रक्तदान बाबा के नाम से कैंप लगाया गया। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मौके पर परमट चौकी इंचार्ज मनोज भाटी ने भी रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि ये वाकई में एक सराहनीय कदम है और इसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। नाम से एक यूनिट रक्तदान हम लोगों ने कैंप लगाया है और सभी भक्त बाबा के आज इच्छुक दे के अपने मन से एक यूनिट रक्तदान बाबा के नाम कर रहे हैं। और ये रक्तदान उन लोगों के लिए होता है जो गरीब असहाय लोग होते हैं, जिनके पास कोई देने वाला नहीं होता है। मंदिर प्रशासन हमेशा उनको ब्लड मुहैया कराता है, फ्री सेवा होती है, इसमें कोई पैसा नहीं, सब निःशुल्क हम लोग मंदिर प्रशासन द्वारा करते हैं। आज मैं ड्यूटी हेतु परमट चौकी थाना ग्वाल टोली की परमट चौकी पर आया था। यहाँ देखा कि पुजारी अजय कुमार जी ने ये ब्लड डोनेट का एक कैंप लगवाया हुआ है, तो हमारी भी इच्छा हुई कि ब्लड डोनेट किया जाए। इसलिए चूँकि मैं पहले भी 7 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मानव ही मानव का काम आता है और ब्लड जवान बॉडी में हमेशा बनता रहता है, इसमें कभी कमी नहीं होती है, तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए। कानपुर के कल्याणपुर स्थित रिजॉर्ट में मेसर्स फेलिको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से 29 जून को पॉल नाइट इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। फाउंडर शुभम पाल ने बताया कि इससे मनोरंजन को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए जाने वाले और तरह तरह के कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने व जनपद के बेरोजगारों को नए रोमांचक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आयोजन किया जा रहा है, जो शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा। क्योंकि ये 29 जून को हमारा एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम पास नाइट एक शाम दोस्ती के नाम है और ये उन सभी लोगों के लिए है जो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं कानपुर में पर उनको मिल नहीं पाता और इसके लिए वो बाहर दिल्ली लखनऊ जाते हैं और खूब सारा पैसा खर्च करते हैं, पर हम उसी चीज़ को यहाँ पे करना चाहते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर एटा से। एटा से बड़ी खबर, प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी, ऑनर किलिंग की आशंका। युवती का पिता घर पर ताला लगाकर भागा, नया गांव थाना क्षेत्र का ये मामला जहां प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी, ऑनर किलिंग की जताई जा रही आशंका। युवती का पिता घर पर ताला लगाकर भाग गया है। आपको बता दें, नया गांव थाना क्षेत्र का ये मामला जहां प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले। एटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले। पुलिस पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि ऑनर किलिंग की जताई जा रही है आशंका।
आपको बता दें कि युवती का पिता घर पर ताला लगाकर भाग गया है। नया गांव थाना क्षेत्र का ये मामला। और इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या कुछ है ये मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नया गांव जो थाना क्षेत्र है इटागा, वहां पर एक युवक और युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जो कि ऑनरशिप का मामला लग रहा है। पुलिस का वही कहना यह है कि जांच चल रही है और जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। जहां पर परिवार के लोगों से बात हुई है तो उन्होंने पुष्टि की है कि गांव के ही रहने वाले लड़की गांव की ही रहने वाली है, वही लड़का सखी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और ये भी लोगों ने बताया है कि इनका पहले से ही कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार को पहले से इस चीज की जानकारी थी। वही परिवार के सदस्य मौके से गायब है, इसलिए पूरी संभावना देखी जा रही है कि इसमें संलिप्तता परिवार की संदिग्ध है। जी बिल्कुल, जैसा कि युवती का पिता बताया जा रहा है कि घर पर ताला लगाकर भाग के आए कहीं पर, तो वही प्रेमी के परिजनों से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रवैया था उनका इस रिश्ते पर? देखिए, परिवार के जो बेटी है उसके परिवार के भाई है, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लड़की मामा के यहाँ गई हुई थी, 10 दिन से वो थी नहीं, पर पेड़ पर जो आम का पेड़ है उससे लटका हुआ शव मिला है, जैसे कि किसी को भी जानकारी नहीं थी। ग्रामवासियों के द्वारा जब शव देखा गया है तब उन्होंने सारी जानकारी पुलिस से प्रशासन से लेकर सभी लोगों को दी है। जब घर वालों को देखा गया तो घर वाले मौके पर मौजूद नहीं मिले, तो उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदिग्धता परिवार की इससे जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमें इस खबर पर। ये बड़ी खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर अटकते मिले। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि युवती का पिता घर पर ताला लगाकर भाग चुका है। एटा की ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर एटा से, जहां प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले। ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है इस मामले पे। आपको बता दें कि युवती का पिता घर पर ताला लगाकर भाग चुका है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं, जहां प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर लटकते मिले। ऑनर किलिंग की जताई जा रही है आशंका, युवती का पिता घर पर ताला लगाकर भागा। और इधर उत्तर प्रदेश में लगातार दुष्कर्म और बच्चियों की हत्या की घटनाओं के विरोध में लोगों में खासा आक्रोश पैदा हो रहा है। लोग ऐसी घटनाओं का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही ऐसा कानून भी बनाया जाए जिससे कि ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। इसी क्रम में आज कानपुर के कृष्णानगर इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में बच्चियां नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रही थी और जनता को जागरूक कर रही कि हम बच्चियों के खिलाफ हो रहे आपराधिक घटनाओं के लिए समाज भी अग्रणी की भूमिका निभाए, समाज बच्चियों को संरक्षण दे, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अमानवीय कृत्य करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करे। और इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से। ललितपुर से बड़ी खबर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत।
ललितपुर थाना तालबेहट क्षेत्र के ललितपुर झांसी हाईवे 44 के सोरपुल के पास की घटना। मृतक पत्नी अमरपुर कला मंडी स्थित बीमा खेत गांव के बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर ललितपुर से आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। ललितपुर थाना तालबेहट क्षेत्र के ललितपुर झांसी हाईवे 44 की घटना। अमरपुर गल्ला मंडी स्थित दीघा खेत गांव के बताए जा रहे हैं मृतक पति पत्नी। बड़ी खबर ललितपुर से आपको दे रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। थाना तालबेहट क्षेत्र के ललितपुर झांसी हाईवे 44 की एक घटना। सोरपुल के पास घटी ये घटना, जहां मृतक पति पत्नी अमरपुर गल्ला मंडी स्थित बीघा खेत के बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। वाइस हाइलाइट्स फ्रॉम द आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव।